तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण संख्या से संबंधित। एक ये टॉपिक है जिसमें जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़े होंगे। और इससे पहले मैंने संगणक भर्ती परीक्षा से संबंधित कई वीडियो अपलोड कर दी है। इसके अलावा दो मॉडल पेपर अपलोड किए हैं, उन सबको आप देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और मॉडल पेपर नंबर एक में क्वेश्चन नंबर दो है कि रेपो दर का संबंध होता है, वो मैंने उसका थोड़ा दीर्घकाल बता दिया। इसका उत्तर सही अल्पकाल होता है जी, ये आप थोड़ा इसका बदलाव कर लेना आप। तो रेपो दर का संबंध दीर्घकाल, सॉरी अल्पकाल से होता है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि संगणक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण सांख्यिकी यानी जनगणना से संबंधित आंकड़े, ये संगणक भर्ती परीक्षा के अलावा और भी भर्ती परीक्षा जिसमें जनसंख्या से संबंधित सिलेबस में हो उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक महत्वपूर्ण सांख्यिकी। तो देखते हैं सबसे पहले जनगणना। ये भारत की जनगणना है और भारत का विश्व में दूसरा स्थान है जनगणना की दृष्टि से। और पहला स्थान आप जानते ही हैं कि चीन का है, जिसकी जनगणना 1.34 बिलियन है। इसके अलावा भारत का दूसरा स्थान है, 1.21 बिलियन इसकी जनसंख्या है, या फिर 121.06 करोड़ जनसंख्या भारत की है। और तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और जिसकी जनसंख्या 308.7 मिलियन है जी। ऊपर वालों के बिलियन है और इसकी मिलियन है। और विश्व की कुल जनसंख्या का है, भारत की जनसंख्या है वो 17.5% है। अब देख लेते हैं भारत की जनसंख्या संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या टॉपिक। इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप जानते ही हैं कुल राज्य 29 है, और 29वां राज्य तेलंगाना बना था, जो कि पिछली बार संगणक भर्ती परीक्षा में आया हुआ है ये प्रश्न। और इसके बाद में जिले 640 है, इसके बाद में गांव है वो 6.41 लाख है, और भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ के लगभग है। कई किताबों में 0.06 भी मिलेगी आपको। आगे 10 की आबादी 17.7% है, जिसमें शहरी जनसंख्या 31.2% है, और ग्रामीण जनसंख्या है 68.8% है, और लिंगानुपात है भारत का 943 सही। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व भारत का 382 है 2011 की जनगणना के अनुसार है जी ये। और साक्षरता है वो 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% है और महिला साक्षरता है वो 64.6% है। शिशु जनसंख्या है वो 13.6% है, और शिशु लिंगानुपात है वो 919 है। अब देखते हैं थोड़ा विस्तार से इसका वर्णन कि जनसंख्या भारत की है वो सर्वाधिक किन राज्यों में है और सबसे कम किन राज्यों में है। तो ये देख लेते हैं अपने, जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, सर्वाधिक जनसंख्या है वो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद में दूसरा महाराष्ट्र का है, और तीसरा बिहार का है। और न्यूनतम जनसंख्या देखिए तो अपने सिक्किम की जनसंख्या है वो न्यूनतम है, कम है, मिजोरम की उससे कम है, अरुणाचल प्रदेश की उससे कम है। तो ये तो था जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किन किन राज्यों में है और न्यूनतम जनसंख्या किस राज्यों में है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला है सिक्किम। इन दो को तो आप याद रखने रखना, इसके अलावा दो स्थान और याद रख सकते हो, तीन तक तो रख लेना, क्योंकि कई बार गहराई से प्रश्न पूछ सकता है वो। इसके बाद में देखिए वृद्धि दर। वृद्धि दर है वो भारत की 17.7% है, और सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय की रही थी, और न्यूनतम थी नागालैंड की थी। इसके अलावा मेघालय के बाद दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, और तीसरा है वो बिहार का है। न्यूनतम में अगर देखें तो नागालैंड, केरल और गोवा का आता है। तो अपने अभी तक जनसंख्या देख ली,
की सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम है सिक्किम की। इसके अलावा वृद्धि दर है वो पहला स्थान मेघालय का है, सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय की थी और न्यूनतम है वो नागालैंड की है। उसके बाद में आगे देखेंगे लिंगानुपात, तो लिंगानुपात है वो जी 2001 में भारत का लिंगानुपात 943 है, अगर 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो 933 था भी। अब देखते हैं तीन स्थान सर्वाधिक लिंगानुपात किन राज्यों में है और न्यूनतम किन राज्यों में है, तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1084 और हरियाणा में है वो सबसे कम लिंगानुपात है 879। और लिंगानुपात में सर्वाधिक में देखते हैं तो दूसरा स्थान केरल, पहला केरल का है, दूसरा तमिलनाडु का है और तीसरा आंध्र प्रदेश का है। जो आप देख रहे हो तमिलनाडु में 996 लिंगानुपात और आंध्र प्रदेश में है वो 993 है। इसी प्रकार हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, इसके बाद में थोड़ा सा और बढ़ गया, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का और तीसरा सिक्किम का आप देख रहे हो। इसके बाद में देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, भी कई बार पूछ लेता है केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात किसका सबसे कम और अधिक है, तो पुडुचेरी का 1037 है सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम है वो दमन और दीव का है। ये तो था लिंगानुपात भारत का की 2011 की जनगणना के अनुसार 943 था और 2001 की जनगणना के अनुसार 933 था। अब आगे देखेंगे साक्षरता इसके बारे में, तो ये है साक्षरता जी, तो भारत की साक्षरता दर है वो 73% है 2011 की जनगणना के अनुसार है। और सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है 94% और न्यूनतम साक्षरता बिहार की है जी, सर्वाधिक साक्षरता केरल की और न्यूनतम साक्षरता बिहार की, तो 65.5% है। और इसके बाद में अगर दो स्थान और देखें मतलब सर्वाधिक में, तो केरल के बाद में मिजोरम का स्थान है जहाँ 91.3% है, इसके बाद में त्रिपुरा का है भी 88.7% है। और न्यूनतम में देखें तो बिहार पहला स्थान है ही, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का है जो कि 65.4% है और राजस्थान का तीसरा न्यूनतम स्थान में आता है जी 66.1% साक्षरता है राजस्थान की। अब देखते हैं संघ शासित प्रदेश में साक्षरता, यानी लक्षद्वीप की साक्षरता है वो सर्वाधिक साक्षर है 91.8% है। और न्यूनतम में अगर देखा जाए तो संघ शासित प्रदेशों में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली है, उसका उसकी साक्षरता है 76.2% है। तो ये तो थी साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर देख ली। अब देखते हैं पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, तो ये है जी पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता 80.9% है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल की और न्यूनतम है बिहार की भी, दूसरा स्थान मिजोरम का है, इधर दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है जो आप देख रहे हो। अब देख लेते हैं महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता 64.6% है ये भारत की है जी, और सर्वाधिक केरल राज्य में है महिला साक्षरता और मिजोरम में है, और न्यूनतम देखिए तो सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता बिहार की है और राजस्थान की है। इसके बाद में आगे एक और देखते हैं, तो ये जनसंख्या घनत्व के बारे में और देख लेते हैं, तो जनसंख्या घनत्व 382 है अभी 2000 जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार, और न्यू 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था 325। अब देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है भी, बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व वही होता है जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले की संख्या। इसके बाद में न्यूनतम देखिए तो अरुणाचल प्रदेश है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं जी, ये न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है, सर्वाधिक बिहार का है, ये भी प्रश्न कई बार आया था जनसंख्या घनत्व के बारे में। इसके बाद में बिहार के बाद में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल का है जो 1028 है, उसके बाद में तीसरा केरल का है और अरुणाचल प्रदेश का के बाद में आता है जी सबसे कम मिजोरम का है और सिक्किम का। उसके बाद में अगर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखें तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है अपने देख ही रहे हैं सबसे अधिक है 11320 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है वो जनसंख्या घनत्व है 86 है सबसे कम है। तो आज अपने वीडियो में देखा एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी से संबंधित ये टॉपिक है,
जो कि जनगणना से रिलेटेड है। तो इसमें अपने जनसंख्या देखी, जनसंख्या उसके बाद में वृद्धि दर देखी, साक्षरता दर भी देखी और लिंगानुपात भी देखा और जनसंख्या घनत्व के बारे में अपने चर्चा की। तो इन वीडियो को, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन लगभग आता ही आता है कोई भी एग्ज़ाम हो तो। आप ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल भी है, इसको आप याद रख लेना क्योंकि आंकड़े तो हमेशा याद रखने पड़ेंगे। तो ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में राय ज़रूर देना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।